तेलंगाना. दिस विल बी अ लिटमस टेस्ट फॉर बीजेपी लीडरशिप इन दिल्ली. आप जो भी कहते हो, इस बात में अगर आप विश्वास रखते हो कि कांग्रेस ने एटीएम बना लिया तेलंगाना को और बहुत ऐसे ही चीज आरआर टैक्स, अगर इस बात में सच्चाई है कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है, तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया. तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर है श्रीनिवास रेड्डी, उसके कंपनी को भी काम मिला इसमें अमृत में. तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी कैबिनेट में बैठता है, जो आदमी अल्टीमेटली टेंडर सैंक्शन करता है, जो इंस्टीट्यूशन टेंडर सैंक्शन करती है, अगर उनके घर वालों को आप काम देने लगते हो, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? ये ब्रीच ऑफ आर्टिकल 191 नहीं है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लॉज अट्रैक्ट नहीं होता है क्या? ये रैम्पेंट करप्शन नहीं है क्या? ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है क्या? अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो बीजेपी बता दे देश को कि इसमें कोई गलती हुआ ही नहीं और कांग्रेस ने सही किया जो किया. अगर इस बात में सच्चाई है तो जांच शुरू करो और जिन जिन पे एक्शन लेना है एक्शन लो और दुनिया को बता दो कि यू मीन बिजनेस, वॉट एवर यू से यू स्टैंड बाई. लेट मी ऑल्सो क्विकली एड वन मोर थिंग बिफोर आई वाइंड अप. दिस इज जस्ट द फर्स्ट एपिसोड. लेट मी प्रॉमिस यू, वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट इज जस्ट द फर्स्ट ऑफ मेनी थिंग्स वी आर अनकवरिंग एंड वी आर अनअर्थिंग इन तेलंगाना. एंड आई विल कंटिन्यू टू कम बैक टू दिल्ली एंड कंटिन्यू टू एक्सपोज द करप्शन क्रोनी कैपिटलिज्म ऑफ राहुल गांधी एंड हिज पार्टी एंड हिज चीफ मिनिस्टर इन तेलंगाना रेवंत रेड्डी. वी विल नॉट लेट दिस इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट इन तेलंगाना, करप्ट गवर्नमेंट इन तेलंगाना रन अमॉक विथ एक्सचेकर मनी. एंड फाइनली आई होप, बिकॉज कल हम लोग जब पूरे एमपी के साथ खट्टर साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि 25 तारीख को पार्लियामेंट शुरू हो रही है, तब तक हमें समय दीजिए. मैं भी थोड़ा जानकारी लेता हूं, आपके एमपी के साथ मैं संपर्क में रहूंगा. तो मैंने उनको बताया, हमने उनको बताया कि सर अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हम जरूर पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में हमारे 4 एमपी हैं, वहां ये मुद्दा उठाएंगे, सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे. उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार हमारी आरोप को सीरियसली लेगी और तहकीकात शुरू होगी, जांच शुरू होगी और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा और ये रैम्पेंट करप्शन जो है इसको अरेस्ट करने की प्रयास आपके तरफ से भी होगी. केवल लिप सर्विस से कुछ नहीं होता, बस ये कहने से कि तेलंगाना एटीएम बन गया कुछ नहीं होता, इसके बारे में कुछ करना भी होगा. प्रधानमंत्री जी तो आप स्वयं कह चुके हो, इसलिए आप भी रिस्पॉन्ड करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं. और जैसा मैंने कहा, दिस इज जस्ट द फर्स्ट अमंग मेनी, देयर इज मोर टू कम. अगर कांग्रेस को लग रहा है कि हमें दिल्ली नहीं आना चाहिए, दिल्ली में नहीं बताना चाहिए, मैं उनसे उनको याद दिलाना चाहता हूं, आपके चीफ मिनिस्टर और आपकी गवर्नमेंट जो 11 मंथ ओल्ड है, उनके तो अभी 25-26 ट्रिप हो गए दिल्ली का. हर 2 हफ्ते में बेचारा रेवंत रेड्डी दिल्ली आता है, हर 2 हफ्ते. अभी तक 26 पैसा भी नहीं मिला दिल्ली से, वो अलग बात है हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट को. पर इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप 26 बार आओगे, कम से कम हमें भी तो 2-4 बार तो आना पड़ेगा, आपके करप्शन को एक्सपोज करना पड़ेगा. ये तो हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज प्रिंसिपल ऑपोजिशन. सो वी विल कम बैक, वी विल कंटिन्यू टू कम बैक, वी विल कंटिन्यू टू क्वेश्चन दिस गवर्नमेंट, इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. तेलुगु में इफ यू डोंट माइंड कैन आई स्विच और शुड आई? इफ बाउमर दि केमो अमृतम पंची, अर्हत लेनी कंपनी की 1,137 కోట్ల రూపాయల వర్కులు కట్టబెట్టి, ఇది శోధా కన్స్ట్రక్షన్స్ యొక్క ఆడిటెడ్ రిపోర్ట్. 2020-21 సంవత్సరంలో 3 కోట్ల లాభాల్లో ఉన్న కంపెనీ, 21-22 2.5 కోట్ల లాభాల్లో ఉన్న కంపెనీ ఈరోజు 1,137 కోట్ల వర్కు, అమృత్ వర్కు వారికి పంచిపెట్టింది రేవంత్ రెడ్డి గారు. అర్హత లేని కంపెనీ, అడ్రస్ లేని కంపెనీ, ఆయనకున్న అర్హతల్లా రేవంత్ రెడ్డి గారి బావమరిది కావడమే. ఆ కంపెనీకి ఈరోజు ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఐహెచ్పి లాంటి కంపెనీతో జాయింట్ వెంచర్ కుదిరించి
ఇక్కడ చూడండి, ఐహెచ్పి యొక్క దయార్ద్ర హృదయం ఎంత గొప్పది అంటే, వాళ్ళ హృదయం ఎంత పెద్దది అంటే, ఇంత పెద్ద కంపెనీ ఐహెచ్పి లాంటి కంపెనీ, వాళ్ళేమో 20% పనిచేస్తారంట ఈ 1137 కోట్ల కాంట్రాక్ట్లో. 80% పని రేవంత్ రెడ్డి గారి భావమరిది గారి కంపెనీ చేస్తుందట. ఏ కంపెనీకి అయితే 2 కోట్ల లాభాల్లో ఉందో ఆ కంపెనీ దాదాపు 800-900 కోట్ల వరకు వాళ్ళు చేస్తారట. మరి వాళ్ళకి పైసలు ఎడికెళ్ళి వస్తాయి, ఏది ఎడికెళ్ళి వస్తుంది చెప్పాలి. మేము నిన్న కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ గారిని అడిగినాం, కలిశాం అందరం ఎంపీలందరం కలిసి, చెప్పినాం వారికి 8888 కోట్ల రూపాయలతో ఫిబ్రవరి ఈ సంవత్సరంలో మీ కేంద్ర ప్రభుత్వ డబ్బులు ఏవైతున్నాయో వాటికి టెండర్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిలిచింది, 6 ప్యాకేజీల్లో పిలిచింది,